मेरे गाय ने हाथी का बच्चा दिया, मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। अब इस ट्रिक को मैं बाजार में लाखों करोड़ों की बेचूंगा। आओ भाई आओ, अपनी गाय में से किसी भी जानवर का बच्चा निकलवाओ। अपनी गाय में से किसी भी किस्म के जानवर का बच्चा निकलवाओ, ये कैसे हो सकता है? चलो चल के पता करते हैं। आओ चलो। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, मैंने करके देना है। अगर मैं ना कर सका तो तुम लोगों को पूरे 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने करवाना है तो 1,000 रुपए फीस लगेगी। हैं? 50,000 रुपए? ना इसको ऐसा जानवर बताऊंगा ये सोच नहीं पाएगा। 50,000 लेने के लिए तो मैं इसे ऐसा जानवर बताऊंगा कि इसकी साथ पुश्तें भी पैदा नहीं कर पाएंगी। अरे भाई 1,000 रुपए का मसला नहीं है, लेकिन मुझे मेरी गाय में से शेर नहीं चीते का बच्चा चाहिए। अरे भाई मुझे मेरी गाय में से ऊंट का बच्चा निकाल के दो, उसको मैं अगली ईद में महंगा करके बेचूंगा। हाँ कोई मसला नहीं है, ये लो एक एक पर्ची, 1,000 रुपए की ये एक पर्ची है, इसमें जो लिखा है तुमने अपनी गाय के कान में जाकर बोलना है, ठीक 1 घंटे बाद वो तुम्हारा मन पसंद बच्चा पैदा कर कर दे देगी। हाँ ठीक है भाई, फिर हमें पर्ची दो, पहले फीस निकालो। ये लो भाई, ये लो 1,000, ये लो पर्ची। चलो इनको तो मैं जानता हूँ, अभी इनके गाय के पीछे जाता हूँ। अरे मेरी शहजादी गाय, अगर तूने 1 घंटे के अंदर ऊंट का बच्चा ना दिया तो मैं तुझे जिब्बा करके तेरा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दूंगा, ठीक है? ए मेरी लंबी और मोटी गाय, अगर तूने 1 घंटे के अंदर मुझे चीते का बच्चा ना दिया तो मैं तुझे जालिम व्यापारी को बेच दूंगा, ठीक है? एक घंटा हो गया, अब जाके देखता हूँ गाय ने उनका बच्चा दिया कि नहीं दिया। ये तो ऊंट का बच्चा है, ये हिल क्यों नहीं रहा, लगता है ये मर गया। चलो उस आदमी से जाके पूछता हूँ, दिखाता हूँ उसे। 1 घंटा तो हो गया यार। मेरी गाय ने सच में चीते का बच्चा दे दिया, इसका मतलब वो आदमी ठीक कह रहा था, लेकिन ये हिल क्यों नहीं रहा यार, मुझे लगता है मरा हुआ पैदा हुआ है। अभी जाता हूँ उस बंदे से 50,000 रुपए लेता हूँ। आज की दिहाड़ी तो बन गई। अरे रुका, ये क्या ड्रामा किया तुमने हमारे साथ? हमारी गाय ने मरे हुए बच्चे दिए हैं। मेरी गाय ने भी मरा हुआ ऊंट दिया है। ये बताओ उन बच्चों का सर गोबर के अंदर था क्या? हाँ। तो तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो बच्चे पैदा होते ही मर गए, मेरा क्या कसूर है इसमें? इसका मतलब हम दोनों की किस्मत खराब थी।